हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। मानस, क्या तुमने अखबारों में आजकल प्लास्टिक बैन की खबर पढ़ी है? हाँ थॉमस, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि स्कूल की कैंटीन में अब भी लोग प्लास्टिक से बनी स्ट्रॉ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों ना हम मिलकर कागज की स्ट्रॉ बना लें और स्कूल की कैंटीन को वो स्ट्रॉ दे दें। इससे हम प्रदूषण नियंत्रित करने में थोड़ी सी मदद भी कर पाएंगे। ये तो बहुत ही उचित सुझाव है। हमें 100 स्ट्रॉ बनानी चाहिए। लेकिन मानस, ये स्ट्रॉ बनाने के लिए हमें कितने कागज की आवश्यकता होगी? ये तो एक गणित का प्रश्न है थॉमस। इसका मतलब ये गणित का समय है। देखो मानस, मैंने यहाँ एक स्ट्रॉ का चित्र बनाया है। ये स्ट्रॉ एक खोखले बेलन के आकार की है। इसके शीर्ष और तल मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब हमें एक स्ट्रॉ को बनाने के लिए कितने आयताकार कागज की जरूरत होगी, इसका ज्ञात करने के लिए हमें एक स्ट्रॉ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया ज्ञात करना होगा। दोस्तों, यदि स्ट्रॉ का व्यास 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो क्या आप इस बेलनाकार सिलिंड्रिकल स्ट्रॉ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया ज्ञात कर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। स्ट्रॉ बेलनाकार की है, जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और जैसा कि हमने अपनी गणित की सूत्र पुस्तिका में लिखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh के बराबर है, जहां R और H क्रमशः बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई है। लेकिन 2 गुणा त्रिज्या तो व्यास के बराबर है, इसलिए अब हमें स्ट्रॉ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ढूंढने के लिए बस उसकी व्यास और ऊंचाई यहाँ लिखनी होगी। देखो मानस, एक स्ट्रॉ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है और हमें ऐसी 100 स्ट्रॉ बनानी है। इसका मतलब हमें जिस कागज की आवश्यकता होगी उसका क्षेत्रफल होगा एक स्ट्रॉ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा 100। हमें 44 गुणा 100 4400 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले कागज की आवश्यकता है। अच्छा, इसका मतलब यदि हमारे कागज की चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कागज की लंबाई होगी 4400/11 बराबर 400 सेंटीमीटर। चलो अब हम जल्दी से लौटकर ये कागज खरीद ले। दोनों दोस्तों ने वो कागज खरीद लिया और उसका उपयोग कर 100 कागज की स्ट्रॉज बना ली। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है।